हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गंगू बाई का ये मेकअप लुक। और जैसा कि आपने देखा होगा, आलिया भट्ट का इसमें लुक किस तरह से है, तो ऐसा ही लुक मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना वीडियो का स्टार्ट में कुछ आज अलग तरीके से करूँ। तो यहाँ पर गाइस, मैं मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ और आप देख सकते हो मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है। और मैं यहाँ पर वाइट टोन क्रीम से आज ये मेकअप लुक करने जा रही हूँ। तो मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड भी कर लिया है, लगा लिया है पूरे अपने फेस पर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कंसीलर। ये मैक का कंसीलर है, बहुत ही अच्छा कंसीलर है। कंसीलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो भी हमारी आईज़ पर डार्क सर्कल्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उसे हाइड कर देता है और हमारे आई शेडो को भी बहुत खूबसूरत दिखाता है। नेक्स्ट मैं इसे लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से थोड़ा सा सेट कर लूँगी। इस क्रीम का रिव्यू बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर शेयर करूंगी कि किस तरह से ये क्रीम है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही परचेज किया है। इससे पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक की आईब्रो पेंसिल। और इसमें आप गाइस देख सकते हो कि आलिया भट्ट की जो आईब्रोज है काफ़ी डार्क नज़र आ रही है, बहुत ही डार्क उन्होंने मेकअप किया हुआ है इसमें। तो इस तरीके से मैं अपनी आईब्रोज़ को डार्क कर रही हूँ। पहले मैं ब्लैक कलर की पेंसिल से अपनी आईब्रोज़ की गैप्स को फिल करूँगी, उसके बाद मैं जैकलिन हिल पैलेट से ब्राउन कलर का शेड लूँगी और इस तरीके से अपनी आईब्रोज़ को और अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि बहुत ज़्यादा हार्श भी ना दिखे और नेचुरल दिखे मेरी आईब्रोज़। सो गाइस, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की है जस्ट, और यहाँ पर मैं अब लगा रही हूँ सेम ब्राउन कलर का शेड अपनी क्रीज लाइन पर, इस तरीके से प्लेस करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। वैसे आलिया भट्ट हर लुक में क्यूट लगती है मुझे तो, और इस लुक में भी काफ़ी क्यूट लग रही है वो। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर जैकलिन हिल पैलेट से ही शिमर शेड लूँगी। ये वाइट शिमरी शेड है और इसे मैं फिंगर टिप की हेल्प से अपनी आईलिड पर लगा लूँगी, और मैं सिर्फ सेंटर आईलिड पर ही लगाऊँगी इसे। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ गाइज ब्लू हेवन की काजल। और आलिया भट्ट ने इसमें कोई भी आईलाइनर वगैरह नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ काजल लगाया है। काफ़ी मोटा उन्होंने काजल लगाया हुआ है, तो इस तरीके से मैं भी लगा लूँगी। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा स्मच कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिप लाइनर। यहाँ पर मैं ये मरून कलर का लिप लाइनर लूँगी और इसे लगा लूँगी। इसके बाद मैं ये मरून कलर का शेड लगा रही हूँ। ये हाफ एंड हाफ की लिपस्टिक है। अब मैं अपने फेस को कंटूर कर लूँगी। गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, मेरे एफर्ट्स कैसे लगे। और मैंने यहाँ पर एक जस्ट छोटी सी कोशिश की है, और जिस तरीके से आप देख सकते हो पोस्टर में उनका फेस नज़र आ रहा है, तो उसी तरीके से बस मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ मेकअप करने की जैसा मुझे उनका मेकअप नज़र आ रहा है। मैंने जस्ट अपने एक अंदाजे से ये मेकअप किया है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो गाइस आई शेडो का या ब्लश का जो शेड है वो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर शिवाना शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर लगा लूँगी। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक, और आप देख सकते हो मुझे बहुत हंसी आ रही थी अपने लुक को देखकर। और ये देखिए, मैंने रिबन भी लगा लिए हैं। वैसे मुझे हंसी इसलिए आ रही थी गाइस क्योंकि मुझे मेरे अपने स्कूल डेज याद आ गए थे, जब मम्मी मेरी चोटी करती थी ना, तो मुझे वो वाले दिन याद आ गए। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा, और आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी गाइज़। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।